हेलो चिल्ड्रंस, आवर चैप्टर इज 7 क्लास 5th हिंदी मीडियम। इट्स नेम इज स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग इज कमिंग मीन्स होता है बसंत का आना, बसंत ऋतु का आना। तो वी विल स्टार्ट नाउ। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, बीफ टुगेदर, स्ट्रो एंड फीदर, डूइंग ईच योर बेस्ट। कि स्प्रिंग कमिंग मतलब कि बसंत आ रही है, बसंत आ रही है। चिड़ियाँ पक्षियों अपने घोंसले बनाओ, उनको धागों या परों से, घास फूस से उनको क्या करो, बुनो, एंड पंखों से और कुछ अच्छा करके दिखाओ। नेस्ट, ओके नेस्ट। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। फ्लावर आर कमिंग टू, पैनीज, लिलीज, डैफोडिल्स नाउ आर कमिंग थ्रू। बसंत आ रही है, बसंत आ रही है, और वो अपने साथ क्या ला रही है, फूलों को भी ला रही है, जो कि पैनिस होती हैं। पैनिस मतलब कि जो व्यक्तियों को अच्छा लगता है वो पैनिस होता है। लिलीज, लिली का फूल तो आपने देखा ही होगा। डैफोडिल्स मतलब होता है कमल का फूल। नाउ आर कमिंग थ्रू, और अब ये क्या हो रहे हैं, यह भी आने वाले हैं। नेक्स्ट, ओके। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु आ रही है। ऑल अराउंड इज फेयर, सब जगह स्वच्छ और साफ होगा। सिमर्स एंड क्विवर ऑन द रिवर, और जो सिमर एंड क्विवर होंगे ना, सिमर और टमटमाने नदी पर क्या होने लगती हैं, उसका जो जल होता है ना वो टमटमाने लगता है और जगमगाने लगता है। और जॉय इज एवरी फेयर, और सभी जगह क्या होने लगता है, जॉय मतलब कि एवरीवेयर, सब जगह मजा मतलब कि खुशी फैल जाती है। तो इस टाइप से इस पोएम में स्प्रिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर ये रेड रेड लाइन में लिखा है कि हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। जो हमारी हैबिट होती है ना वो सेकंड नेचर होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी रुचि होती है या जो हमारी हैबिट होती है वो सेकेंड नेचर होती है, मतलब कि दूसरी प्रकृति है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये सेट कहा जा रहा है। तो इसी के साथ ये हमारी क्या होती है, रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।